आज के इस आरोग्य सभा आरोग्य यज्ञ के माध्यम से हवन यज्ञ के माध्यम से हम अपने भीतर के विकारों को सारे बीमारियों को दूर करेंगे और मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए निमित्त हो ऐसे भावों को रखते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और एक बार गायत्री मंत्रों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भाई आँख बंद करें। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो आइए हम सभी आचमन मंत्र से बाएं हथेली को आगे करेंगे, दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी और ये कनिष्ठ तीनों मिलाकर 20 की दो अंगुलियों से हम अंग स्पर्श मंत्र से हम अपने अंगों को छुएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा उन अंगों में कभी कोई बीमारी ना लगे और यदि कोई बीमारी है तो बीमारी हमसे दूर हो जाए। तो भाई ओ वांग मैं आय अस्तु। मुँह के दाहिने तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे मुख में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, मेरे जीवा में तालों में कंठ में मसूड़ों में दांतों में कोई प्रकार की बीमारी ना हो, बीमारी है बीमारी दूर हो जाए। और ओम नसोर में प्राण वस्तु। नासिका के दाहिने तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे नाक में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, साइनस ना हो, सांस लेने छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो निर्बाध रूप से जीवन भर चलता रहे। ओम अक्षुर्ण में चक्षुरस्तु। नाक नेत्र के दाहिने तरफ और नेत्र के बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे आँखों में कभी चश्मा ना चढ़े, मैं आँखों से हमेशा बढ़िया से देख सकूँ और कभी आँखों से अंधा ना हो और आँखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे और इन आँखों से किसी माँ बहन को देखें तो उसमें अपनी माँ बहन बहू बेटी दिखाई पड़े, इसीलिए भगवान ने हमें आँख दिया है, नहीं तो बिना आँख का ही आँख भेज देता। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु। कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे कान के पर्दे में कभी छेद ना हो और कान से सुनने की शक्ति हमेशा बनी रहे और कभी गाली भी यदि कोई दे रहा है, हमारी शिकायत भी करे तो ऐसा लगे तो वो हमारी बड़ाई कर रहा है, हमारी गुणगान कर रहा है और वो परमात्मा का भजन कर रहा है, ऐसा शक्ति हमें दो। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु। कंधा के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे कंधे में, मेरे केहनी में, मेरे कलाइयों में, मेरे अंगुलियों में, मेरे हाथ में किसी भी जगह पर कोई दोष ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई लकवा ना लगे और ये हाथ उठे तो कभी मुर्गा काटने के लिए नहीं, बकरा काटने के लिए, मछली तड़पा तड़पा के मारने के लिए नहीं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि ये हाथ किसी की रक्षा के लिए और कोई रचनात्मक कार्यों के लिए हाथ उठे, भगवान इसीलिए हाथ दिया है, नहीं तो हाथ में लकवा लगा दे, हाथ को बिना हाथ के भेज देता। हमें हाथ देने का मतलब यही है कि ये हमेशा सही कार्यों के लिए उठे। ओम उर्वर में वो जो वस्तु। घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा मेरे कमर में, मेरे घुटने में, मेरे आपके पिंडली में, आपके एड़ी में, तलवे में, किसी भी जोड़ों में कोई समस्या, कोई दर्द ना हो, लकवा ना लगे, यदि समस्या है तो बाहर निकल जाए और नहीं है तो जीवन भर हम आरोग्य को प्राप्त करते रहें और ये कदम यदि पैर यदि चलने के लिए कहे तो कोई शुभ कार्यों में ही पैर जाए, कोई बुरे कार्यों में, बुरे स्वभावों में, बुरे जगहों पर ये पैर हमें ले जा करके उपस्थित ना करा दे, ऐसी शक्ति प्रभु हमें दे। ओम अरिष्टानी मेंगानी तनुसत्वा में सहसंतु। हे परमात्मा हम शरीर के चारों तरफ चढ़ते हैं, जिन अंगों को हमने नाम लिया वो भी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, जिन अंगों का हमने नाम नहीं लिया है वो भी अंग हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, सब आरोग्य को प्राप्त करें, सब स्वस्थ को प्राप्त करें। तो आइए एक प्राणायाम मंत्र है, प्राणायाम मंत्र को आप मेरे साथ दोहराएंगे। ओम भु ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम सत्यम। हम प्रभु से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हे परमात्मा मेरे भीतर के सारे दुष्ट आचरण, हमारे भीतर के सारे कुकर्म, हमारे भीतर के सारे रोग व्याधियाँ, सारे विकार
आज विजयदशमी के महान पर्व पर आरोग्य यज्ञ के माध्यम से हमारे सब भीतर से बाहर निकल जाएं और हम पवित्र होकर के पावन होकर के जैसे सोना को आग में जलाते हैं तो सोने के अंदर की मिलावट भस्म हो जाती है और वो सोना कुंदन बन करके हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो हम आज मिलावट वाले सोना है और हमारे भीतर के सारे मिलावट आज दूर हो रहे, भस्म होंगे और हम एक कुंदन के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठापित होकर के जहाँ भी रहेंगे सूर्य की तरह हम हमेशा दूसरों को रोशन करेंगे, दूसरों को हम रास्ता दिखाते रहेंगे। यही शक्ति, यही ज्ञान है प्रभु, हमें बार बार हमारे भीतर उपस्थित कराओ। आज्ञाधार मंत्र से हम अग्निदेव को उपस्थित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः